आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खोजबीन के समय अक्सर ही स्केलेटन्स मिलते रहते हैं। कई बार तो स्केलेटन बहुत ही ज्यादा मामूली होते हैं, लेकिन कई बार ये इतने ज्यादा वियर्ड और अजीब होते हैं कि इनके बारे में कुछ भी पता कर पाना नामुमकिन हो जाता है। आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ स्केलेटन्स की जो कि दुनिया के अब तक के मिले सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग स्केलेटन्स हैं। नंबर 9, स्केलेटन लेक। साल 1942 में एक ब्रिटिश पर्यटक पर्यटन करते समय एक झील के पास पहुंचा जो कि ग्लेशियर के पानी से बनी थी। यहां उसे सैकड़ों इंसानी स्केलेटन नजर आए। ये झील सी लेवल से करीब 4876 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। स्केलेटन लेक के नाम से पॉपुलर इस झील के आसपास कई सारी थ्योरीज घूमती रहती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जापानी सैनिकों की हड्डियां हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमालय को पार कर रहे होंगे। जब ये हड्डियां मिली तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए हड्डियां वैज्ञानिकों को इतनी पुरानी नहीं लगी। कई अन्य ने कहा कि हो सकता है ये मास सुसाइड का नतीजा हो या फिर किसी आपदा या बीमारी का, जहां पूरा का पूरा गांव एक साथ खत्म हो गया हो। स्केलेटन्स की रिसर्च के बाद ये पता चला कि इसमें 23 दक्षिण एशियाई, 14 ब्रिटिश और एक तिब्बती व्यक्ति था, यानी कि ये गांव भी नहीं था। तो आखिर ये स्केलेटन थे किसके? ये सभी स्केलेटन अलग अलग समय के भी थे। जहां दक्षिण एशियाई 2200 साल पहले के थे, वहीं बाकी लगभग 1800 साल पहले के। ये भी हो सकता है कि ये सैलानियों का एक समूह हो जो कि तूफान में मारा गया हो। इस लेक के पीछे क्या रहस्य है वैज्ञानिक अब तक नहीं जान पाए। नंबर 8, कैनेडाज नोडोसोर। कैनेडा की सबसे ज्यादा रहस्यमय चीजों में से एक है काली तैलीय मृदा। ये पूरे कैनेडा में फैली हुई है और ये पूरी तरह से खाली है। साल 2011 में इन पर काम कर रहे कुछ मजदूरों ने दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर फॉसिल्स को ढूंढ निकाला। ये था नोडोसोर। वैज्ञानिकों के अनुसार नोडोसोर लगभग 108 मिलियन साल पुराना है। अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि नोडोसोर कैसा दिखता होगा, तो आप एक लिजर्ड को देख सकते हैं। नोडोसोर एक बड़े लिजर्ड जैसा था जिसके स्किन के ऊपर टर्टल जैसे शेल बने हुए थे। इस शेल के कारण वैज्ञानिक ये भी जान पाए कि नोडोसोर ने आखिरी बार क्या खाया था, क्योंकि नोडोसोर के आखिरी मील शेल के नीचे प्रिजर्व थी। ये बड़ा जानवर कनाडा के सबसे पुराने डायनासोर में से एक है और एक सुनामी के कारण जमीन के नीचे दब गया था। ये एलिगेंट होने के साथ साथ हम्बल भी था और केवल साग सब्जी ही खाता था। नंबर 7, स्वीडिश मैसेकर। स्वीडन में सैंडबे बॉर्ग नाम का एक गांव है जो कि यहां हुए नरसंहार के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक किला है जो कि आकार में गोल है, उसमें कई स्केलेटन्स हैं। पहली बार इस गांव को सैटेलाइट से देखा गया था। उसके बाद जब यहां पे खुदाई की गई तो बहुत से गहने भी बरामद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाले थे वहां मिलने वाले स्केलेटन। इस गांव को एक साथ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और ये किसने और क्यों किया ये अब तक पता नहीं चल पाया है। यहां अब तक केवल 3 घरों की खुदाई हुई है जिसमें से 26 स्केलेटन मिले हैं। वैज्ञानिक अब भी इस गांव के रहस्य को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, द स्केलेटन्स ऑफ शैनिडर केव। साल 1950 में नॉर्दर्न इराक के जंगलों में खोजबीन के दौरान एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सन्न कर दिया। उन्हें एक केव में 8 इंसानी स्केलेटन मिले और उनके साथ 2 अजीब स्केलेटन भी थे। ये सारे स्केलेटन नियांड्रथल्स के थे जो कि लगभग 35,000 से 45,000 साल पुराने थे। नियांड्रथल्स भी एक तरह के इंसानी हैं जो कि लगभग 40,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि यूरोपियन ह्यूमंस के साथ कॉम्पिटिशन के कारण खत्म हो गए थे। शैनिडर केव में मिले सभी नियांडरथल्स को मार दिया गया था। हालांकि इससे पहले नियांडरथल्स केवल जर्मनी में ही मिले थे, इसलिए इराक में इनका मिलना काफी हैरान करने वाला था। ये बताता है कि इंसानों को अभी भी उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है। नियांडरथल्स के यहाँ मिलने के बाद इराक में खोजबीन शुरू हुई, लेकिन और कुछ नहीं ढूंढा जा सका। केवल ये 8 नियांडरथल्स यहाँ कैसे आए ये वैज्ञानिकों के लिए रहस्य की बात है। नंबर 5, सेंटोर। दोस्तों, आपने ऐसे इंसानों के बारे में तो सुना ही होगा जिनका धड़ घोड़े के जैसा होता था और सर इंसानों सा। टूसो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में आपको ऐसे ही इंसान के स्केलेटन नजर आ जाएंगे। ये स्केलेटन पूरी तरह से असली हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नर अश्व होते थे? नहीं दोस्तों, ये बिल विलोस नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का किया धरा है। उन्होंने घोड़ों और इंसानों के स्केलेटन को मिलाकर एक ऐसा नर अश्व बनाने की कोशिश की ताकि वो दुनिया को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि एक सही इंटेंट के साथ किया गया था ताकि स्टूडेंट्स को ये भी बताया जा सके कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दें और हर चीज को फैक्ट समझ के ना बैठ जाएं। ये स्केलेटन इसलिए भी बनाया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कोई ऐसा क्रीचर होता तो वो कैसा नजर आता। मिथोलॉजिकल क्रीचर्स वैसे भी बहुत से रहस्यों से भरे हुए हैं। नंबर 4, टूथलेस वैम्पायर। नर अश्व के बाद अब नंबर है वैम्पायर का। बल्गेरिया में मिला 700 साल पुराना एक स्केलेटन वैज्ञानिकों के लिए तब तक चौंकाने वाला नहीं था,
जब तक कि उन्होंने उस स्केलेटन का ध्यान से अध्ययन नहीं किया। स्केलेटन का ध्यान से अध्ययन करने के बाद जो पता चला उसने सबको हैरत में डाल दिया। इन स्केलेटन्स को वैम्पायर स्केलेटन कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आकार में सामान्य से ज्यादा बड़े हैं और इनके रीढ़ के आसपास लोहा बंधा हुआ है। वैसे इनके आकार को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी अंधविश्वास के शिकार हो गए हैं। इनकी लाश ब्लैक सी के पास चर्च के नीचे मिलना और इनके आसपास लोहा मिलना ये दर्शाता है कि इन्हें ड्रैक्युला मानकर इनकी हत्या की गई है। हालांकि ये सब उस समय बहुत सामान्य था। लोगों की लाशों के पास लोहा रख दिया जाता था ताकि उन्हें वैम्पायर्स परेशान न करें, और लोगों को वैम्पायर मानकर लोहे के सरिये से मार भी दिया जाता था। नंबर 3, मैक्सिकन मैमथ। मैमथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये साइज में एलिफेंट से बड़े हुआ करते थे। मेक्सिको में नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के समय वहां खुदाई कर रहे मजदूरों को काफी स्ट्रेंज फॉसिल्स मिले। ये फॉसिल्स मैमथ के थे। हालांकि वहां केवल मैमथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अलग अलग एंशियंट क्रीचर्स के फॉसिल्स मिलते चले गए। जब वहां और भी खुदाई की गई तब ये पता चला कि वो जगह एक पुरानी झील है। वहां 100 से भी ज्यादा मैमथ, कैमल्स, हॉर्सेज इत्यादि मिले। ये सभी फॉसिल्स 10,000 से 5,000 साल पुराने थे। झील के एक दलदल में बदल जाने के कारण ये सभी जानवर वहां फंस गए थे। ये हैरान करने वाला तो था ही, साथ ही अनएक्सपेक्टेड भी था। नंबर 2, अंटार्कटिका जायंट सी क्रीचर। मॉडर्न इंसानों के लिए आज से 100 साल पहले स्पेस और अंटार्कटिका एक बड़े रहस्यमय गुत्थे की तरह थे। स्पेस तो फिर भी एक बार को पृथ्वी से अलग है, लेकिन अंटार्कटिका पृथ्वी पे होते हुए भी हमारे लिए एक रहस्य था। हालांकि पिछले 100 सालों में अंटार्कटिका में अच्छी खासी रिसर्च की गई है और वहां पिछली स्पीसीज के बारे में भी काफी कुछ पता चला है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले फॉसिल्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फॉसिल है एलिस्मोसॉर का। एलिस्मोसॉर मॉडर्न वर्ल्ड के जिराफ को रिजेंबल करता है। बस फर्क यह है कि एलिस्मोसॉर समुद्र के अंदर रहा करते थे। जब अंटार्कटिका बर्फ के रूप में परिवर्तित हुआ तब ये जम गए। एलिस्मोसॉर का वजन 11 टन से 14 टन के बीच में हुआ करता था और पूंछ से धड़ तक ये लगभग 12 मीटर के होते थे। 2017 से पहले इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाला समय हमारे लिए और भी ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। नंबर 1, पिक्टिश मैन। आज से 1400 साल पहले एक जगह पर जिसे अब स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां एक आदमी का मर्डर करके उसे गुफा में फेंक दिया गया था। 2016 में जब उस आदमी का स्केलेटन मिला तब हर कोई सन्न रह गया। ये एक शाही स्केलेटन था और माना जा रहा था कि इस आदमी को फिरौती के लिए किडनैप किया गया था और बाद में मार दिया गया। बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि उसने मरने से पहले एक हाई प्रोटीन डाइट ली थी। ऐसी डाइट उस समय केवल शाही लोग ही ले पाते थे। तो क्या वो एक रॉयल स्केलेटन था? उसकी मृत्यु इसी ओर इशारा कर रही थी, लेकिन उसका स्केलेटन सामान्य से ज्यादा बड़ा था। ये किस तरह का स्केलेटन था वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये मैनमेड पजल हो जहां दो स्केलेटन्स को मिला दिया गया हो। हालांकि जो इकलौता सर है वो काफी ज्यादा टूटा हुआ है और उसमें 3 इंजरीज हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आदमी की मृत्यु बहुत ही ज्यादा भयानक रही होगी। ये हैरान करने वाला है क्योंकि इसे मारने के बाद पत्थरों से पार्ट भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ वियर्ड और अजीब स्केलेटन्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।